एक ओर शासन जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर महिला बाल विकास के अंतर्गत पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से शासन बंधुआ मजदूरों की भांति कार्य करा रहा है। आंगनवाड़ी के लिए इतनी सुविधाएं की कमी है, क्या बताएं आपको। सबसे पहले जो बच्चों के लिए बैठने के लिए जो फर्श होना चाहिए, वो आज दिनांक तक, मेरी 14 साल की मेरी सर्विस हो गई, आज दिनांक तक हमें फर्श नहीं दिया गया। पंखा नहीं दिया गया। जो रजिस्टरों पे हम काम करते हैं, वो सारे रजिस्टर नहीं दिए जाते हमें अपने पैसों से खरीदने पड़ते हैं। हमको कहा जाता है कि आप गीत कहानी के माध्यम से ही इनको पढ़वाओ, तो गीत कहानी के माध्यम से थोड़ी थोड़ी, क्या दो एक ही किताब से उनका काम चल जाता है? ऐसी बात नहीं कि प्लास्टिक की बॉलों से उनका काम चल जाता है। पढ़ाई पर असर तो इसलिए पड़ रहा है कि जैसे हमारा साला पूर्व शिक्षा का टाइम 1.5 घंटे है, उस 1.5 घंटे में अगर हमारे पास मैडम द्वारा कोई भी कॉल आ जाता है कि जाइए PMY की खाता खुलवा के आना, इतग्राही में दिया नहीं है, तो हम साला पूर्व शिक्षा छोड़कर उस महिला के साथ जाते हैं और खाता खुलवाते हैं। स्वास्थ्य के लिए है कि जब हम डेली 1.5 घंटे साला पूर्व शिक्षा देंगे और अपने केंद्र पर अपने 7 घंटे बैठेंगे, तब हम बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा कर सकते हैं। पर डे जब हम उनका वजन हर मंथली नियम से ले पाएंगे, जब हम नियम से आंगनवाड़ी पर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हम उनका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों नियम से नहीं देख पाते। ये सारी बाधाएं अदरवाइज काम की वजह से, कहीं BLO की ड्यूटी आ गई, फोन आ गया, जाइए सर्वे का भी करके देना है, तो हम साला पूर्व शिक्षा छोड़कर और बच्चों का वजन भी ले रहे होते हैं, तो उस बच्चे के वजन को छोड़कर सीधे भगना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो हमें सर्विस से हटाने की धमकी दी जाती है और कई कार्यकर्ताओं को इसके लिए सस्पेंड भी किया गया है। समय पे हमें पैसा नहीं दिया जाता कंडेंसरी का, ना साला पूर्व शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता, जिससे कि हम अपने पैसों से उसको खरीदें और अपने केंद्र के लिए इस्तेमाल कर सकें। झाड़ू और मटके के लिए भी पैसा आना बंद हो चुका है। साल में जो टोटल 1000 रुपये आता था, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। और बाल चौपाल एक कार्यक्रम चालू किया था, उसका भी जो 1 साल चलाया, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। उसका पैसा, मंगल दिवस का पैसा हमारा समय से नहीं आता, क्योंकि वो पैसा जब समय से नहीं आता तो हम हितग्राही को सेवा समय से नहीं दे पाते, और जब हितग्राही को समय से सेवा नहीं मिल पाती तो वो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जहाँ भी जरूरत पड़ती है, विभाग को या किसी नेता को जहाँ भीड़ की जरूरत पड़ती है, हमें वहाँ भी बुलाया जाता है। बिना भीड़ इकट्ठा दिखाने के लिए, सबसे ज़्यादा संख्या दिखाने के लिए हमें विदाउट यूनिफॉर्म बुलाया जाता है, जिससे कि भीड़ दिखे। जब से आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, तभी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, परंतु सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि स्क्रीन पर दिखाए गए महिला बाल विकास के नंबर 011-23-38-64-23 नंबर पर कॉल करें, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की समस्या का समाधान हो सके। मैं ज्योति मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।